तो बच्चों हम लोग प्रेपोजिशंस की बात करने वाले हैं आज फिर से। प्रेपोजिशंस जो हैं, जो मैंने आपको बताया था कि प्री प्लस पोजिशन से मिलकर बना होता है और नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड्स के पहले आते हैं और उनका रिलेशन बाकी के सेंटेंस से ये बताते हैं बच्चों, तो उसको आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू। लेट्स बिगिन। तो प्रेपोजिशंस हमारा टॉपिक है और तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो पहली प्रेपोजिशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों इनटू। इनके आगे आप देख पा रहे हैं हमने टू लगा दिया, तो याद रखिएगा कि अंदर होने की बात तो ये करेगा क्योंकि इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन टू लगाने के साथ साथ इसमें क्या होगा, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या हो जाएगी कि ये प्लेस चेंज की बात करेगा, मोशन की बात भी करेगा। ये मोशन और प्लेस चेंज की बात करेगा। एक स्थान पर आप हैं, फिर आप किसी दूसरे स्थान के अंदर चले जाएँ तो आप इनटू का यूज़ करेंगे। द बॉय जम्प्ड इन द रिवर। देखिए बच्चों, ये गलत एग्जाम्पल लिया गया है जानबूझकर, ये बताने के लिए आपको कि इसका गलत प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसका गलत यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जम्प्ड इन द रिवर, रिवर पानी का कोई भी सोर्स हो, रिवर, टैंक, सी, कोई भी पोंड, अगर आप उसके अंदर कूद रहे हैं तो आप इनका प्रयोग ना करके इनटू का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है ये, तो याद रखना आप कि जम्प जब पानी के सोर्स में कर रहे होगे तो इनटू आएगा। ही केम इनटू द रूम एंड सॉ नथिंग। वो कमरे के अंदर आया, मतलब पहले कमरे के बाहर था तभी तो अंदर आया ना, बट अंदर होता तो मैं ये बोलता ही क्योंकि वो कमरे के अंदर आया, तो इसका मतलब बाहर से अंदर आ रहा है। प्लेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और मोशन तो हो ही रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी मदर अगर किचन के अंदर ही घूम रही है, खाना बना रही है या कोई भी खाना बना रहा है किचन के अंदर ही, तो वो इनटू नहीं आएगा, फिर वो इन ही आएगा। पर याद रखना एंटर, अभी मैंने कमरे में एंट्री करने की बात की तो मैंने केम वर्ब का यूज़ किया, कम वर्ब का यूज़ किया, लेकिन अगर आप एंटर वर्ब का यूज़ करोगे तो उसके बाद में इन या इनटू दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, याद रखना। तो आई एंटर्ड इन द रूम या आई एंटर्ड इन टू द रूम दोनों ही क्या होंगे बच्चों, हाँ गलत होंगे। तो क्या करना है आपको, आई एंटर्ड द रूम या आई एंटर्ड द किचन, कोई प्रेपोजिशन यहाँ पर नहीं आएगी बच्चों। क्या याद रखोगे, एंटर के बाद आपको कोई प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना है यदि आप किसी स्थान में किसी जगह में प्रवेश कर रहे हो तो। कुछ फिक्स यूज हैं इसके, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, चेंज और टर्न। इन वर्ब्स के बाद भी, वर्ब के बाद भी याद रखना, वर्ब्स हो जब ये तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और ये सारी वर्ब्स क्या हैं, अनुवाद करना, रूप परिवर्तित करना, बदलना, मुड़ना या बदल जाना, इनके बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। प्लीज़ ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश ना बोलकर क्या बोलोगे आप, इनटू इंग्लिश। ये भी कॉमनली बोला जाता है, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, नो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ही सडनली ट्रांसफॉर्म्ड, वो अचानक से बदल गया इनटू अ ह्यूज लायन, बड़े से शेर में बदल गया वो, मतलब पहले शेर नहीं था या शायद छोटा शेर था, बड़े शेर में बदल गया। रूप परिवर्तित हुआ है इसका, रूप चेंज हुआ है, फॉर्म चेंज हुआ है। द मिल्क चेंज, मिल्क चेंज हो रहा है किसमें, कर्ड में, चेंज वर्ड आ गया तो क्या यूज़ करेंगे अपन, इनटू यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इनटू। अच्छा नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन हमारी, प्रेपोजिशन नंबर 7 बोल सकते हो आप, 6 के बाद, ऑव। ऑव का सामान्य हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों, का के की, सामान्य हिंदी मीनिंग का के की, पर सामान्य हिंदी मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि सभी आ गया आपको। पहला जो इसका यूज़ है का के की के रूप में, याद रखिएगा ये एन वन एन टू क्या है, ये एन वन और एन टू का मतलब है यहाँ पर एन का नाउन, नाउन फर्स्ट और नाउन सेकेंड, दो नाउन्स के बीच में आएगा ये और उनके बीच में का के की का रिलेशन बताएगा, पजेसिव रिलेशन बताएगा। आपको नाउन में बताया था मैंने पजेसिव केस क्या होता है, का के की, फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन, फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सब में, सभी एग्जांपल्स में, सेंटेंसेस नहीं है, फ्रेजेस हैं ये, लेकिन अपन को तो ऑफ का यूज़ देखना है ना, तो सभी में दो नाउन्स हैं, दो नाउन्स के बीच में ऑफ लगा दिया मैंने और का के की का रिलेशन बता रहा है ये, है ना। अ ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का ग्रुप, इस तरह से बोला जाएगा हिंदी में इसको। द रोर ऑफ अ लायन, शेर की दहाड़। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, यूएसए का प्रेसिडेंट। द पीएम ऑफ इंडिया, इंडिया का पीएम। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्वीन। तो मतलब अंग्रेजी में जैसे लिखा जाएगा, हिंदी में उसको अनुवाद करेंगे तो दूसरे वर्ड से का के की पहला वर्ड, तो ये दो नाउन्स के बीच में आते हैं और उन दोनों के बीच में पजेसिव बोल सकते हो आप, अधिकार या संबंध बताने वाला रिलेशन स्थापित करता है ना। तो पहला यूज़ क्या हुआ बच्चों इसका, एन वन प्लस ऑव
प्लस एन टू, ये ऑफ का पहला यूज है बच्चों। दूसरा यूज जो है वो भी बड़ा अच्छा वाला यूज है बच्चों, याद रखना इसको, काम आएगा वो तो आपके खासकर आगे कंपेटिटिव एग्जाम में बहुत ही काम आएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मेट में से। तो आपको ऑफ दे रखा हो, ऑल दे रखा हो, क्या दे रखा हो बच्चों, ऑल, सब में से, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, सब में से। और आगे क्या दे रखी हो आपको, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मैंने एक बार थोड़ा सा जिक्र किया था, थोड़ी चर्चा की थी कि ईएसटी, मोस्ट, है ना, इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री बताते हैं। तीन या तीन से अधिक में से, सबसे, क्या कुछ भी हो सकता है, अच्छा, बुरा, गंदा, जो भी है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। ये स्ट्रक्चर क्यों याद रखनी है आपको बच्चों, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चों कि लोग क्या करते हैं, इन लगा देते हैं, क्योंकि हिंदी में इसका अर्थ में बनता है। इन ऑल योर बुक्स, तुम्हारी सब बुक में से दिस वन इज द बेस्ट, बेस्ट आ गया ना, सुपरलेटिव आ गया ना, और तुम्हारी सब बुक में से ये बुक सबसे अच्छी है। अब मे का अर्थ आया तो हमने क्या कर दिया, हिंदी दिमाग के हिसाब से इन लगा दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पर इन नहीं आएगा, यहाँ पर ऑफ आएगा। ये मे से की बात करता है, सिलेक्शन की बात करता है ना। ऑफ ऑल योर बुक्स दिस वन इज द बेस्ट, पर एक बात याद रखना, अगर आपको ऑफ ऑल लगा हुआ मिले तब तो बेस्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑल का मतलब हम दो से अधिक के लिए लेते हैं, अगर दो होते तो हम बोथ का यूज़ करते या टू का यूज़ करते। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो तीन या तीन से अधिक के लिए होती है, अगर दो है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है बच्चों, याद रखना। तो इस चीज़ को विशेष याद रखना कि ऑफ द टू, ऑफ द टू, यहाँ पर ऑल नहीं है, टू है। अगर यहाँ पर दो है तो याद रखना ये मोस्ट पोलाइट गलत होगा। मैं आपको एक सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, हालांकि ऑफ तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, चाहे द टू है चाहे ऑल है, तो भी क्या बच्चों, ऑफ ही आएगा। ओके, सो ऑफ द टू बॉयज रवि इज द, यहाँ पे सुपरलेटिव ना होने के बावजूद भी हमने क्या लगाया बच्चों, दी लगाया है। देखो मोर पोलाइट कंपैरेटिव डिग्री है, तो ऑफ द टू बॉयज रवि इज द मोर पोलाइट। अच्छा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिखने में मुश्किल लगती है तो इसको आसान बना सकते हैं। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल योर बुक्स, दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल योर बुक्स। अब उसको उल्टा पुल्टा कर दो, कैसे भी करो, ऑफ ऑल योर बुक्स दिस वन इज द बेस्ट। तो याद कर रखना है आपको, ऑफ का प्रयोग हम ऑल या टू, द टू के पहले कर सकते हैं। शर्त क्या है कि ऑफ ऑल आएगा तो आगे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, मोस्ट ईएसटी, ऑफ टू आएगा तो आगे क्या आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, जो ईआर वाले वर्ड होते हैं, जो ईआर सेंड होते हैं, बिगर, बेटर, इस तरह के, या मोर वाले वर्ड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, डाई ऑफ। अगर आप डिजीज बताना चाहें, कोई व्यक्ति किसी डिजीज से मरा है, उसकी डेथ हुई है, तो डाई ऑफ के बाद डिजीज आती है। डाई ऑफ के बाद क्या आती है बच्चों, डिजीज। लेकिन अगर डाई जो है वो डिजीज से ना होकर किसी दुर्घटना में हुआ हो, किसी एक्सीडेंट में हुआ हो, तो आप वहां पर ऑफ नहीं, इन लगाओगे। एग्जांपल देखो, ये मैंने जहां जहां भी ये गलत सेंटेंस लिए है ना बच्चों, समझ लेना ध्यान से, मान लेना कि वो गलत सेंटेंस इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि बच्चे उनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बच्चे का मतलब बारहवीं के बच्चे नहीं, सिर्फ बड़े बच्चे भी। तो अक्सर आपने सुना होगा शी डाइड फ्रॉम, डाइड फ्रॉम नहीं बोलेंगे बच्चों, शी डाइड ऑफ टीबी, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। बट अपन अगर टीबी से मरने की बात ना कर टीबी से सफ़र करने की बात कर रहे हो, तो याद रखना सफ़र जो होता है बच्चों, पीड़ित होना, उसके बाद अगर बीमारी दे रखी है तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस लेकिन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक्सीडेंट की बात करें, पॉल वॉकर डाइड इन एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, पिछले वर्ष पॉल वॉकर जो हैं, जो अभिनेता थे, जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में थे, उनकी मृत्यु पिछले वर्ष जो है वो एक दुर्घटना में हो गई। हालांकि पिछले वर्ष नहीं हुई है, काफ़ी समय हो गया है, लेकिन हम सेंटेंस देखें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डाई के बाद हमने इन लगाया क्योंकि आगे एक्सीडेंट दे रखा है, कोई डिजीज नहीं दे रखी है। तो याद रखना, डाई ऑफ अ डिजीज, डाई इन एन एक्सीडेंट बट सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। अच्छा, सफरिंग फ्रॉम डिजीज ही नहीं, सफरिंग फ्रॉम कोई बैड कंडीशन होगी ना, तो भी हम सफरिंग फ्रॉम लगाते हैं, है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है,
तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है ओन। ओन का सामान्य हिंदी मीनिंग क्या होता है? टचिंग द सरफेस, किसी सतह को छूते हुए। सामान्य हिंदी मीनिंग है इसका बच्चों, हिंदी मीनिंग से काम चलने वाला नहीं है वैसे, लेकिन याद होना चाहिए आपको। टाइम के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम जब डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स की बात कर रहे हो। डेज, डेट्स और फेस्टिवल की बात कर रहे हो। और फेस्टिवल में आपको बताया था मैंने कि हम ऐट का प्रयोग भी करते हैं। कब करते हैं? जब इनका सिर्फ नाम दे रखा हो दौरान के लिए, लेकिन नाम के पहले डे वगैरह कुछ दे रखा हो तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। डे संबंधित कुछ भी होगा तो ऑन आएगा, सिंपल सी बात। दे विल बी बैक ऑन 26th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 26 तारीख को वो वापस आ जाएंगे। 26 तारीख डे की, डेट की बात हो रही है। ही वॉज बॉर्न ऑन वेंसडे, वो बुधवार को पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ था? बुधवार को। डे है, डे के लिए ऑन आएगा। ऑन द डे ऑफ होली, अब होली के आसपास की बात नहीं हो रही है, होली के दिन की बात हो रही है बच्चों। होली के दिन क्या होता है? इंडियंस प्ले कलर्स, भारतीय जो हैं, इंडियंस जो हैं वो रंगों से खेलते हैं। किस दिन? होली के दिन। तो याद रखिएगा, डे की बात चल रही हो, डेट की बात चल रही हो, फेस्टिवल्स की बात चल रही हो, तो किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन। चलिए आगे चलते हैं। डे टाइम्स, डे टाइम्स बच्चों देखिए बड़ा ख़राब सा टॉपिक है ये। डे टाइम में हमने सबसे पहले एट लगाया, फिर हमने इन लगाया। एट कब लगाया? जब कोई आर्टिकल नहीं था। इन कब लगाया? जब दी था। क्या था? दी था। परंतु यदि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे, कोई भी डे टाइम हो, उसके पहले हमें कोई विशेषण दे रखा हो, एडजेक्टिव दे रखा हो, और उसके पहले ए या एन दे रखा हो। स्ट्रक्चर से याद रखनी पड़ती है। प्रेपोजिशंस में मैंने कहा था ना आपको, कुछ बातें याद भी रखनी पड़ेंगी। तो उस स्थिति में ऑन लगाएंगे, क्योंकि ये मॉर्निंग, इवनिंग जो है उसके पहले एडजेक्टिव लगाकर जब ए एन लगा दिया जाता है, उसका मतलब होता है हम उस दिन की मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे कुल मिला के दिन की चल रही है, और दिन के लिए क्या आता है बच्चों? ऑन आता है। दे लेफ्ट होम, अब देखिए ध्यान से देखना बच्चों, इवनिंग आ गया डे टाइम, फाइन एडजेक्टिव है, इवनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं, और उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है ए या एन, ए लगा हुआ है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट साउंड है। दे लेफ्ट होम ऑन अ फाइन इवनिंग, एक अच्छी सी शाम को वो घर से चले गए दोनों। थोड़ा सा आयरनिकल है, व्यंग्यात्मक वाक्य है। दे रिटर्न होम ऑन अ ब्यूटिफुल इवनिंग, और एक बहुत ही खूबसूरत सी शाम को वो वापस लौट आए। सुबह गए थे, शाम को लौट आए, या किसी एक दिन की शाम को गए थे और दूसरे दिन की शाम को लौट आए। कुल मिला के बात यह है कि इवनिंग, मॉर्निंग आदि के पहले एडजेक्टिव और आर्टिकल ए एन दे रखा हो तो हम ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? ऑन लगाएंगे। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। अब हम बात करते हैं प्लेस की। प्लेस के लिए इसका मीनिंग वही होता है जो आपको बिगिनिंग में बताया गया, टचिंग द सरफेस, सतह को छूते हुए। अ शेक्सपियर वॉज केप्ट ऑन द टेबल, आपको याद है क्या बच्चों? किसी आर्टिस्ट, किसी राइटर के नाम के पहले ए लगाओ तो उसकी कोई रचना की बात हो रही है, याद है ना? बताया गया था आपको, शेक्सपियर के पहले ए लगा हुआ है, विंची के पहले ए लगा हुआ है, उसका मतलब किसी बुक की बात चल रही है, इसका मतलब किसी पेंटिंग की बात चल रही है, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची फेमस पेंटर थे और शेक्सपियर फेमस ड्रामेटिस्ट थे, राइटर थे। तो शेक्सपियर रखा हुआ था कहाँ पे? टेबल पे रखा हुआ था। तो शेक्सपियर खुद नहीं रखे हुए थे, उनकी कोई बुक रखी हुई थी। अब विंची वॉज हंग, एक विंची को लटकाया हुआ था, खुद नहीं, फांसी नहीं लटके हुए थे, वॉल, दीवार पे। तो मतलब विंची अकेले होते तो फिर बात अलग हो जाती, यहाँ पे ए विंची है तो इसका मतलब कोई रचना। वॉल पे पेंटिंग लटकी हुई है तो ऑन ही आएगा ना, क्योंकि सतह को छू रही होगी, वो सतह को छू रही होगी, है ना? तो याद रखना, टचिंग द सरफेस के अर्थ में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? ऑन का प्रयोग करते हैं। अच्छा यही नहीं, बॉडी पार्ट्स टचिंग द ग्राउंड, अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला आपको देखना पड़ेगा। सामान्य नियम तो ये है कि हम जब कोई चीज़ टच कर रही हो सरफेस पर, तो जो चीज़ टच कर रही है उसके पहले ऑन ना लगा कर, जिस चीज़ से टच कर रही है उसके पहले, फॉर एग्जांपल पेंटिंग दीवार पे लटकी हुई थी तो पेंटिंग के पहले ऑन नहीं आया, दीवार के पहले ऑन आया, पेंटिंग इज़ ऑन द वॉल। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है कि कोई भी बॉडी पार्ट अगर आपका ज़मीन को या ग्राउंड को टच कर रहा है तो उस बॉडी पार्ट के पहले ऑन आ जाएगा। ये एग्जांपल देख के आपको बात समझ में आ जाएगी। शी वॉज लाइंग ऑन हर हेड डूइंग योगा, वो अपने सिर के बल लेटी हुई थी, योगा कर रही थी, तो मतलब उसका सिर जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा होगा, शीर्षासन कर रही होगी शायद वो, है ना? तो हमने क्या किया, उसके हेड के पहले ऑन लगा दिया। ही नेल्ट डाउन ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों के बल
झुका, नेल्ट में झुकना, नील में झुकना सेकंड फॉर्म। तो घुटनों के बल झुका तो मतलब घुटने जमीन पर टच किए होंगे, तो उसके पहले क्या आ गया, ओन आ गया। तो बॉडी का कोई भी पार्ट यदि ग्राउंड को टच कर रहा है तो उस बॉडी पार्ट के लिए हम क्या लगा देंगे बच्चों, ऑन लगा देंगे। क्लियर, आगे चलें। अच्छा ये भी बहुत कॉमन और अच्छी चीज़ है, किताब की बात है कि किसी पेज या किसी ऑनवलप, ऑनवलप एनवलॉप नहीं, ऑनवलप, किसी पेज या ऑनवलप की बात चल रही हो उस पर कुछ लिखने की या ऑनवलप के ऊपर कुछ लिखने की, तो ऑन आता है। क्या आता है बच्चों, ऑन। प्लीज़ राइट योर एड्रेस ऑन दिस ऑनवलप, इस लिफाफे पर अपना पता लिख दो। इट वॉज रिटन ऑन पेज 68, 68 नंबर पेज पर लिखा हुआ था। कई बार हम पूछते हैं टीचर से, सर कौन से पेज पे, तो बोलते हैं 68 नंबर पेज पे। अच्छा एक बात और याद रखना, पेज पे लिखा हुआ है तो ऑन आएगा, लेकिन अगर कोई आपको किताब खोलने को कहे, होता ना क्लास में टीचर्स आते हैं तो बोलते हैं ना आपको कि बच्चों पेज नंबर 12 पर किताब खोल लो, पेज नंबर 12 निकाल लो, तो पेज नंबर 12 निकाल लो का मतलब ये होता है क्या कि पेज नंबर 12 बाहर निकाल लेते हैं फाड़ के आप, नहीं ना, पेज नंबर 12 पर उस किताब को खोलना होता है। तो प्लीज़ ओपन योर बुक्स एट पेज 68। अगर आपको किसी पेज विशेष पर कोई किताब खोलने को कहा जाए तो एट आएगा वहाँ पर। ओपन बुक्स एट अ पेज, ओपन योर बुक्स एट पेज 68, लेकिन पेज पर लिखे होने की बात चल रही हो, लिफाफे पर ऑनवलप पर लिखे होने की बात चल रही हो, तो क्या आएगा बच्चों, ऑन आएगा। क्लियर। फिर एक फिक्स फ्रेज है हमारी, कीप और कीन। कीप का मतलब लगातार कुछ काम करने की बात चल रही हो, कीन मने कोई उत्सुक हो यदि। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, ऑन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ कर देते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो है वो एक तरह से क्या है बच्चों, नाउन है जो कि जेरंड है। बताया था आपको, क्योंकि प्रेपोजिशन है और आईएनजी फॉर्म आ रही है तो बच्चों जेरंड ही होगा ना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब तो आ नहीं सकती सीधी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मतलब जेरंड है। बताया था ना तीन, भूल तो नहीं रहे कहीं, प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन और जेरंड के पहले आ सकती है ना, याद रखना। प्लीज कीप ऑन डूइंग दिस ग्रेट वर्क, ये महान काम जो तुम कर रहे हो ना, इसको करते रहो, कंटिन्यू रखो, अच्छा काम करने वालों की कमी है वैसे भी। द लिटिल चाइल्ड वॉज कीन ऑन गोइंग विद हिज फादर, अपने पिता के साथ वो छोटा बच्चा जो है वो जाने को बहुत ही उत्सुक था। तो कीप और कीन दोनों के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। क्लियर। अच्छा एक और फ्रेज है ऑन पर्पस, पहले बताया था मैंने आपको, ये पर्पस जो नहीं होता, पर्पस सो होता है, पर्पस, वैसे पर्पस का मतलब उद्देश्य होते हैं, पर ऑन पर्पस को अपन सामान्य हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जो काम जानबूझकर किया गया हो, अनजाने में नहीं हुआ हो। He did this at purpose to hurt you, तुम्हें हर्ट करने के लिए, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए उसने जानबूझकर किया। तो जब भी ऐसी बात आएगी ना तो अभी क्या याद रखोगे, एट पर्पस या इन पर्पस नहीं आएगा, ऑन पर्पस आएगा। He did this on purpose to hurt you, उसने तुम्हें दुखी करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। तुम्हें वो कह रहा है ना कि मुझसे गलती से, नहीं गलती से नहीं हुआ, जानबूझकर उसने ऐसा किया है। तो ऑन पर्पस मतलब जानबूझकर, जानबूझकर। नेक्स्ट जो 9 नंबर प्रेपोजिशन है बच्चों हमारी, वो है टू। टू का सामान्य हिंदी में नहीं देखोगे आप तो को की तरफ, इस तरह की बात करेगा, किसी डायरेक्शन की तरफ, है ना, इस तरह की बातें कौन करेगा, टू करेगा। और ये मोशन गति बताएगा, और याद रखना गो और कम दोनों वर्ब बहुत ही पॉपुलर वर्ब है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। इसके बाद टू आता है यदि इनके बाद कोई स्थान दे रखा हो, गो और कम के बाद टू आता है यदि कोई स्थान दे रखा हो। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मुझे लगता है 12th स्टैंडर्ड पर ये पहले ऐसे एग्जांपल आए होंगे जो आपके लिए सिंपल होंगे बहुत ज़्यादा। ही इज़ गोइंग टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट, कुछ फ्रूट खरीदने के लिए वो मार्केट जा रहा है। पर याद रखना अपन गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू बहुत सारी बातें और भी, थिएटर सिनेमा बोल सकते हैं, लेकिन यदि गो और कम के बाद दो नाउन्स आ जाएं, दो संज्ञाएं कौन कौन सी, होम और अब्रॉड, होम और अब्रॉड, क्योंकि ये संज्ञाएं संज्ञा होने के साथ साथ एडवर्ब का काम भी कर सकती हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है आपको। आप याद रखिएगा कि होम और अब्रॉड जो हैं ये यदि गो और कम के बाद आ रही हैं तो आपको कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी है, आपने टू लगा दिया तो गलत हो जाएगा। शी इज गोइंग अब्रॉड फॉर हर स्टडीज़,
वो अध्ययन के लिए विदेश जा रही है, विदेश जा रही है। आई एम कमिंग, आपने टू लगा दिया यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। आई एम कमिंग टू होम, नहीं, आई एम कमिंग होम इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। याद रखोगे गो और कम के बाद कौन से दो वर्ड्स हैं, होम और अब्रॉड, होम और अब्रॉड। अगर ये आते हैं तो आप टू का प्रयोग नहीं करोगे। अच्छा टू का प्रयोग और देखिए, नोन और मैरिड। ये नोन और मैरिड मैंने क्यों लिखा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अगर आपको नो और मैरिड को यूज़ करना पड़ रहा है तो आप इनके बाद टू लगा दोगे। क्या लगा दोगे, टू। सलमान खान इज़ वेरी वेल नोन टू मी। सलमान खान किसी को अच्छा नहीं लगता हो तो सिर्फ ही भी लगा सकते हैं। ही इज़ वेरी वेल नोन टू मी, वेल नोन बाय मी नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि बाय आता है सामान्यतः, लेकिन बाय के अलावा भी प्रेपोजिशन आ सकती हैं, देख लीजिए आ सकती हैं, आ रही हैं। और मैरिड को लेकर तो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों, आज दूर करता हूँ मैं आपका वो कन्फ्यूजन। शी इज़ मैरिड टू, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो वो मैरिड है वन ऑफ माई कजिन्स, मेरे कजिन्स में से किसी एक से। अब यहाँ पर लोगों में ही कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ गाइड्स जो आते हैं जिनको अक्सर नहीं पढ़ना चाहिए, उन गाइड्स तक में दे रखा है ऐसा कि शादी लड़के से हो रही हो किसी लड़की की तो वह जाता है, या किसी लड़की की लड़के से या लड़के की लड़की, पहले जो दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि टू आएगा या विद आएगा, कि यहाँ लड़का है या लड़की है इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। मुझे याद क्यों नहीं है, मैं क्यों लड़खड़ा रहा हूँ बोलते हुए ये, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो याद कैसे होगी। आप तो याद रखिएगा, लड़का हो या लड़की हो कुछ भी हो, आपको यहाँ पर केवल टू ही लगाना है, आप यहाँ पर विद का प्रयोग नहीं करोगे। शी इज़ मैरिड टू, चाहे वो माई कज़िन हो चाहे वो माई कज़िन ना हो। ओके, तो मैरिड और नॉन के बाद टू आता है पैसिव वॉइस में। एक और फिक्स फ्रेज है एडिक्टेड, जो यूज़ होती है पेपर में, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी की सारी आपको बताने लग जाऊँ जो पॉपुलर यूज़ वाली प्रेपोजिशंस हैं, तो फिर तो ये क्लास जो है वो एक साल चलेगी पूरा। हम बहुत ही पॉपुलर और पेपर में पूछे जाने वाली प्रेपोजिशंस के यूज़ की बात कर रहे हैं। एडिक्टेड टू, उसके बाद भी आईएनजी फॉर्म आएगी, जेरेंट फॉर्म आएगी। ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ही इज़ एडिक्टेड ऑफ, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, करता तो सही होता, इसलिए ये सही है, एडिक्टेड टू है ना। तो एडिक्टेड टू गैम्बलिंग कर दो, गैम्बलिंग मैंने जुआ खेलना, ड्रिंकिंग कर दो शराब पीना, तो एडिक्शन किसी बुरी चीज़ का होता है ना, लत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लत लगना, बुरी लत लगना। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट जो हमारी प्रेपोजिशन है वो है विद, इसका सामान्य हिंदी मीनिंग क्या होता है, साथ या के साथ, साथ या के साथ। और सामान्य हिंदी मीनिंग वाला जो पहला यूज है बड़ा आसान है, बहुत ही ईजिली पता लग जाएगा आपको। शी लिव्स, वो रहती है हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। आई कांट गो अलोन देयर, मैं वहां अकेला नहीं जा सकता, जा सकती, प्लीज कम, है कि नहीं आसान, वहां पर मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे साथ आओ ना, ये तो बोलना चाह रहा है वो। तो वो रहती है अपने माता पिता के साथ, तो जो पहला साथ वाला यूज है वो तो बड़ा आसान है विद का। विद पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों, वो याद रखना किससे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसी पॉइंट से। मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, मीन्स मैंने साधन, किसी कार्य को करने का साधन। अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, लिखना एक कार्य है, इस लिखने के कार्य को मैं किसके हेल्प से कर रहा हूँ, इस मार्कर की हेल्प से कर रहा हूँ ना, तो ये मार्कर साधन है इस कार्य को करने का, मीन्स है। तो जब आप किसी कार्य को करने की मीन्स की बात कर रहे हो तो हम विद का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, ही किल्ड द लायन विद अ सॉर्ड, इसको सवॉर्ड नहीं बोलते बच्चों, इट्स कॉल्ड सॉर्ड, व साइलेंट, सॉर्ड। उसने शेर को तलवार से मार दिया। She cut the fruit with a very sharp knife. उसने बहुत ही तीखे चाकू से क्या किया, क्या किया, फ्रूट को काट दिया। I usually write black pen. लिखता हूँ तो लिखने का काम किससे, पेन से होता है, मार्कर से होता है, मैं विद लगाऊंगा यहाँ पे। I usually write, अगर ब्लैक पेन ना बताकर सिर्फ पेन बता दूँ तो भी क्या होगा, विद ही होगा। अभी ब्लैक पेन और पेन दो अलग अलग क्यों दिए मैंने, अलग देने का कारण क्या है बच्चों, कारण दिखेगा आपको इस स्लाइड में, कि एक ऐसा यूज़ भी है
कि यदि आप पेन ना लिखकर, ब्लैक पेन ना लिखकर अगर आप इंक लिख दो, चाहे वो खाली इंक हो, चाहे वो ब्लैक इंक हो, चाहे वो रेड इंक हो, चाहे वो येलो इंक हो, चाहे वो ब्लू इंक हो, अगर इंक दे दिया जाए तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे, इन लगाओगे। कारण जानना चाहते हो तो कारण में मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अब तक हम विद देख रहे थे वो मीन्स के लिए था, साधन के लिए था, यानी कि मार्कर को, पेन को, चाकू को, तलवार को हाथ में पकड़ कर कोई काम हो रहा है, लेकिन इंक को हाथ में पकड़ कर काम नहीं होता है। तो इंक जो है ना बच्चों, वो साधन ना होकर क्या है, मीडियम है, माध्यम है। क्योंकि इंक को मैं ऐसे हाथ में पकड़ के नहीं लिखूंगा, इंक मेरे लिखने का माध्यम है, मीडियम है। इसलिए इंक के लिए क्या आता है बच्चों, इन आता है। क्या आता है, इन आता है, याद रखना। ये साधन वाधन याद ना रखें, रख पाएं तो आप इतना याद रखना, इंक आई एन के इंक में आई एन आएगा। पेन वगैरह के लिए, पेंसिल वगैरह के लिए हम क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे। ओके, विद का प्रयोग कहाँ होता है, और फिजिकल एट्रीब्यूट्स बताओ आप किसी के। फिजिकल एट्रीब्यूट का मतलब लंबे बालों वाला व्यक्ति, लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति, इस तरह के फिजिकल एट्रीब्यूट्स, या थिंग्स कैरीड बाय अ पर्सन, या आप किसी के द्वारा कोई चीज़ कैरी की जा रही हो। मतलब आप बोलना चाहें कि वो जो एक लड़की जिसके हाथ में बैग है, वो लड़की या लड़का जिसके हाथ में छाता है ना। तो या तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर थिंग्स कैरीड बाय अ पर्सन, अगर आप बताना चाहो तो उसके लिए भी आप क्या लगाओगे, विद लगाओगे। अ मैन विद अ बियर्ड, दाढ़ी वाला आदमी। अब इसको ऐसे नहीं बोलेंगे हिंदी में, दाढ़ी के साथ आदमी, दाढ़ी वाला आदमी बोल सकते हो। अ गर्ल विद अ विद एन अम्ब्रेला, लड़की छाते वाली है, जिसके पास छाता है। वी सॉ अ मैन विद अ गिटार, मैन विद अ गिटार मतलब जिसके पास गिटार था। यहाँ पे कुल मिला के विद जो है ना वो हैविंग का अर्थ देता है, किस का अर्थ देता है बच्चों, हैविंग। अ मैन हैविंग अ बियर्ड, अ गर्ल हैविंग एन अम्ब्रेला, वी सॉ अ मैन हैविंग अ गिटार, ठीक है। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स या थिंग्स कैरिड बाय अ पर्सन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस की बात करें, मैंने कहा था पैसिव वॉइस में सिर्फ बाय नहीं आता, अभी टू बताया था मैंने आपको, अब विद बता रहा हूँ। प्लीज, सेटिस्फाइड, खुश होना, संतुष्ट होना, कवर ढका होना, फील्ड भरा होना, ये वर्ब्स अगर आती हैं तो आप पैसिव वॉइस में इनके बाद क्या लगाओगे, विद लगाओगे। पैसिव वॉइस में ना, एक्टिव वॉइस में नहीं। पैसिव वॉइस का पता लगा लोगे ना, बी प्लस थर्ड फॉर्म, अब तक पता लग गया होगा ना, काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके हैं, चौथा टॉपिक चल रहा है हमारा ये। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस होता है, बी मतलब इज आर एम वाज वर, ओके। बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, ही वॉज प्लीज, वह खुश था या संतुष्ट था, योर डांस परफॉर्मेंस, तुम्हारी जो डांस परफॉर्मेंस थी उससे वो बहुत ही खुश था या संतुष्ट था। कुछ भी हो, बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गई ना, तो प्लीज या सेटिस्फाइड की बात क्या आएगा, विद आएगा, ओके। द रूम वॉज, बी फॉर्म आ गई और थर्ड फॉर्म आ गई, रूम जो है वो कवर्ड था, ढक गया था, या फील्ड भर गया था, मीनिंग अलग अलग है लेकिन कोई बात नहीं, ऑब्लिक में दे रखा है, आप दोनों में से कोई भी एक लगा लो। बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो स्मोक, धुएं से, रूम धुएं से कवर हो गया था या रूम धुएं से भर गया था, कवर्ड विद स्मोक और फील्ड विद स्मोक, दोनों ही क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है पैसिव वॉइस में। अच्छा, और देखिए, एंग्री, गुस्सा होना, एंग्री के बाद विद आएगा यदि आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हैं, किसी व्यक्ति से गुस्सा हैं तो विद आएगा। अगर आप किसी बात पर गुस्सा है, समथिंग निर्जीव, तो एट आएगा, याद रखना, अंतर है। पता कैसे लगेगा, सेंटेंस देख के पता लगेगा बच्चों। माई फादर वॉज एंग्री, खालिस्तान मी, मी क्या होता है बच्चों, समबड़ी की श्रेणी में रखोगे या समथिंग की, मी मैं सजीव हूँ ना, तो समबड़ी होगा, समबड़ी होगा तो क्या आएगा, विद आएगा। माई फादर वॉज एंग्री विद मी, मेरे पिता मुझसे गुस्सा थे, मुझसे ही गुस्सा थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, माई फादर वॉज एंग्री, खालिस्तान, वॉट आई डिड, वॉट आई डिड क्लॉज है, क्लॉज पढ़ चुके आप लोग, वॉट आई डिड, जो मैंने किया। तो ये एंग्री एट के बाद हमने क्या लगाया, वॉट आई डिड, जो मैंने किया, जो मैंने किया वो कोई काम ही होगा ना, और काम को किस श्रेणी में रखोगे आप, समथिंग की श्रेणी में, तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एट। तो एंग्री के साथ विद भी आ सकता है जब किसी व्यक्ति से गुस्सा हो कोई, एंग्री के बाद एट भी आ सकता है जब कोई बात पर गुस्सा हो कोई, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात थी आपके प्रेपोजिशंस की, मैंने आपको वो सारी प्रेपोजिशन बता दी जिनका 12th में दूर दूर तक कोई कनेक्शन हो।
आपको ये प्रेपोजिशंस याद करने के लिए लिखनी है, और इनके एग्जांपल्स जो हैं वो एक बार से अधिक, ट्वाइस और थ्राइस, दो बार या तीन बार पढ़ने हैं, ठीक है। एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली ये याद हो जाएंगी। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, हैव अ वेरी नाइस डे।